नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की शाम की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। 1 अप्रैल से इन रोडों पर गाड़ी चलाना होगा महंगा। जहां दोस्तों पेट्रोल डीजल की महंगाई से जूझ रहे वाहन चालकों को 1 अप्रैल से महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। जयपुर शहर से दूसरे शहरों में जाने वाले हाईवे पर टोल रेटों में बढ़ोतरी होने वाली है। ये बढ़ोतरी 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की होगी। जयपुर से टोंक और सीकर जाने वाले राजमार्गों के अलावा आगरा से अजमेर रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड पर भी वाहन चालकों को 1 अप्रैल से ज्यादा टोल टैक्स देकर गुजरना होगा। टोल कंपनियों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर टोंक बाईपास वे शिवदासपुरा के पास चदलाई में टोल की रेट मौजूदा समय में कार जीप चालकों के लिए 100 रुपए है, जो बढ़कर 1 अप्रैल से 110 रुपए हो जाएगी। वहीं एक दिन में आने जाने का टोल अभी 155 रुपए देना पड़ता है, जो 1 अप्रैल से बढ़कर 170 रुपए हो जाएगा। इसी तरह बस सामान्य ट्रक का टोल 335 रुपए से बढ़कर 365 रुपए वसूला जाएगा। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। उदयपुर में मंगलवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोमवार 22 मार्च से शुरू हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अभी तक लगातार जारी है। पिछले 8 दिनों में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मंगलवार को डीजल 71 पैसे और पेट्रोल 88 पैसे महंगा हुआ है। वहीं स्पीड फ्यूल भी 88 पैसे महंगा हो गया है। पिछले 8 दिनों में सिर्फ गुरुवार को छोड़कर बाकी के दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी बढ़ोतरी के साथ उदयपुर में अब डीजल 96.35 रुपए प्रति लीटर पर और पेट्रोल 113.13 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं स्पीड ऑयल भी बढ़कर 116.03 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं। जयपुर समेत 20 शहरों का पारा 40 डिग्री के ऊपर। राजस्थान में मार्च में ही गर्मी के तेवर मई जैसे हो गए हैं। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में अधिकांश शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया है। गंगानगर पिलानी में तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों में राज्य में तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पश्चिम राजस्थान के जिलों समेत 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम का असर 1 अप्रैल तक रहेगा। 2 अप्रैल से सिस्टम खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से मौसम सामान्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं। 4 घंटे बिजली कटौती, गर्मी से बेहाल हो रहा है लोगों का। गर्मी बढ़ने के साथ ही जिले में बिजली की खपत बढ़ गई है। करीब 1 पखवाड़े पहले तक जिले में बिजली की खपत प्रतिदिन करीब 23 लाख यूनिट थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ने के साथ ही करीब 29 लाख यूनिट हो गई है। लोग कूलर एसी चलाने लगे हैं। इससे बीच बढ़ी हुई बिजली की आपूर्ति तो मिलना तो दूर की बात है। जो बिजली 10 दिन पहले मिल रही थी, अब वह भी नहीं मिल रही है। हालात यह है कि दिन में 4-4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। अभी जिले में 2,19,000 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 20-30% उपभोक्ताओं को रोजाना घोषित और अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं। रूस और यूक्रेन विवाद के बीच सस्ते हुए सोना चांदी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद की वजह से सोने चांदी की कीमतों में हर दिन बदलाव हो रहा है। मंगलवार को एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 52,750 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 400 रुपए की मंदी आई है, जिसके बाद बाजारों में एक बार फिर से ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत घटकर 69,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। दोस्तों ये थी राजस्थान की शाम की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। दोस्तों आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।